हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो अगर आपके फोन में ड्रॉपबॉक्स की एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, या फिर दूसरी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर चले जाना है, या फिर अगर आप कोई दूसरा ब्राउजर भी यूज करते हैं आप चले जाइए। यहाँ पे आपको सर्च करना है ड्रॉपबॉक्स एपीके अप टू डेट, उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पर आपको अप टू डेट की वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक करके यहां से इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको ओल्डर वर्जन में चले जाना है। काफी बार क्या होता है कि हमारा जो न्यू वर्जन का अपडेट आता है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, इस वजह से ही हमारी एप्लीकेशंस काम नहीं करती है। तो यहां पे जो लेटेस्ट अपडेट आया था वो कुछ 103 MB का था, ये वाला 2.202.2.2 का था। तो आप चाहे तो इससे पहले वाले जहां पे आपका काम कर रहा था उस पर स्विच कर लीजिए, या फिर यहाँ पे कोई से दूसरे में यहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। यहां से आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है और आपको देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। तो ये करने से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप सिंपली यहां पर सेटिंग्स में चले जाइए और उसके बाद यहां पर आपको अपने मोर सेटिंग्स में आ जाना है। यहां से आप अपने एप्लीकेशन मैनेजर में आ जाइए। अब यहां पर लोडिंग ले रहा है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद यहां पे आपको अपनी ड्रॉपबॉक्स की एप्लीकेशन ढूंढ लेनी है। तो यहां पर ये रही ड्रॉपबॉक्स की एप्लीकेशन, इसको यहां से मैं कर लेता हूं ओपन। सबसे पहले कर लेते हैं यहां से फोर स्टॉप और उसके बाद यहां पे हम स्टोरेज पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहां से आपको क्लियर कैचे कर लेना है और क्लियर डाटा करेंगे तो अगर आपने लॉगिन करा है अपना अकाउंट, जीमेल अकाउंट, कोई सा भी अकाउंट ड्रॉपबॉक्स में, तो वो भी यहां से क्लियर हो जाएगा। तो आपको अपने अकाउंट का, ईमेल अकाउंट का, जीमेल अकाउंट का पासवर्ड याद होना चाहिए तो ही यहां से क्लियर डेटा कीजिए। ठीक है, यहां से मैं क्लियर डेटा कर देता हूं। यहां पे बैक आ जाते हैं। अब क्लियर डेटा करेंगे तो यहां पे परमिशंस भी डिसेबल हो जाती है, तो परमिशंस पे क्लिक करके यहां से कैमरे, कॉन्टैक्ट्स और स्टोरेज की परमिशंस दे देनी है। अगर आपके फोन में परमिशंस ऑलरेडी इनेबल है तो आपको सारी एक बार डिसेबल करके वापस से यहां पर इनेबल कर लेनी है और यहाँ पर बैक आ जाना है। इसके बाद आपको पूरी तरीके से बैक आना है। उसके बाद आपको अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से अपने फोन को रिबूट कर लेना है और जब आपका फोन वापस से ऑन होगा तो आपको अपनी ड्रॉपबॉक्स की एप्लीकेशन को ओपन करके देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।